तो स्टूडेंट्स वेलकम जी, इस बार यार 10th क्लास के बच्चों के लिए ऑन डिमांड फिजिक्स का रिवीजन कोर्स लेकर आए हैं। तो यार इस कोर्स में हम बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन करने जा रहे हैं। फिजिक्स में आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स पोर्शन के, आपके साइंस के एग्जाम तो देखो आपका साइंस का ही होता है, लेकिन उसका जो फिजिक्स पोर्शन है भाई, हम फिजिक्स करवा सकते हैं तो फिजिक्स की रिवीजन करा देंगे आपको। ओके जी, तो पूरी की पूरी रिवीजन बेटा एनसीईआरटी बेस्ड होगी, फुल डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो टॉपिक्स होंगे उसको हम फास्ट कर देंगे, राइट है, लेकिन क्वेश्चंस पे फोकस होगा। तो लेट्स स्टार्ट यार, देखते हैं पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन करते हैं, थोड़ी सी पैटर्न बताते हैं आपको कि किस पैटर्न पे चलेंगे। तो 10th क्लास फिजिक्स के लिए रिवीजन फॉर बोर्ड एग्जाम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पूरा सीरीज आएगा, एक के बाद एक धुआंधार इसकी वीडियो आती जाएंगी आपको, तो बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। एक बार आपको पैटर्न बता देते हैं, पूरी की पूरी रिवीजन हमारी एनसीईआरटी बेस्ड होगी, राइट है जी। क्योंकि देखो ये बात समझ लो कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे लेकर आने हैं तो आप इधर से उधर से जो मर्जी कर लो, लेकिन अल्टीमेटली एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको इधर उधर से और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी में बहुत कुछ है, बस आपको उसको लाइन टू लाइन पहले रीड करना है। जो उसके इंटेक्स क्वेश्चन आते हैं वो कवर अप करने हैं, वो बड़े इजी से होते हैं, भले ही इजी होते हैं या डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको वो कवर अप करने हैं। फिर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और फाइनली एनसीईआरटी की एक अलग बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बेटा आप लोगों को कवर अप करनी है, यहाँ हम सब कुछ करवा देंगे आपको। तो पूरी की पूरी रिवीजन होगी, पहले टॉपिक्स की रिवीजन, दैट विल बी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, राइट है। बीच बीच में जो इंटेक्स क्वेश्चन आते हैं हम साथ के साथ ही रिवीजन जब करवा रहे होंगे, टॉपिक समझा रहे होंगे, बीच में उसको कवर अप करवा देंगे। अगली बात, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी करवा दी जाएंगी। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम देखो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, जो बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें हैं वो इंटेक्स क्वेश्चन में आ जाती हैं, थोड़ा सा एडवांस करो तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में आ जाती हैं, और अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी पड़ेगी। मतलब एनसीईआरटी ने हर तरह के बच्चों के लिए, एवरेज बच्चों के लिए, बिलो एवरेज बच्चों के लिए, अबव एवरेज बच्चों के लिए हर तरह का मटेरियल रख रखा है, और एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन उसने डालने हैं, राइट है। तो थोड़े से डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चन वो कहाँ से डाल देंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डाल देंगे, तो हम ये सब कुछ ही कवर अप कर जाएंगे। तो 4 स्टेप्स में अपना पूरा का पूरा रिविजन प्लान होगा बेटा, चैप्टर वाइज। हर चैप्टर में पहले एनसीईआरटी का पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन, टॉपिक्स पूरे कवर अप करेंगे, देन इंटेक्स क्वेश्चन, देन बैक एक्सरसाइज, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी किए जाएंगे, और फाइनली सैंपल पेपर डिस्कशंस भी करवाएंगे, राइट है। जितने भी हो पाएंगे एंड तक सैंपल पेपर्स कुछ करवा देंगे। तो यार ये पैटर्न है, अगर आप फॉलो करते हो तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो। 4 चैप्टर हैं फिजिक्स में, वैसे ही बच्चे कहते हैं फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, 4 चैप्टर हैं, हमारे साथ जुड़ो और आराम से रिवीजन करो, आपकी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट बेटा रिवीजन हो सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, कौन सा है जी, चैप्टर नंबर 9 है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर का नाम क्या लिख रखा है, लाइट, चैप्टर का नाम है वहां पर लाइट। इसमें 2 पार्ट है बेटा, एक रिफ्लेक्शन है, एक कौन सा है, रिफ्रैक्शन। हम एक एक करके कवर अप करेंगे, पहले हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे। देखो कोई भी टॉपिक है, चाहे रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, और भी कुछ हो, बहुत ही वाइड है, राइट है। अगर हम स्टार्टिंग में, मान लो जब सेशन स्टार्ट होता है उस वक्त ये टॉपिक्स करा रहे होते हैं तो हम बड़े वाइड एंगल से देख रहे होते हैं और काफी वाइड जाते हैं, बट बेटा ये रिवीजन सीरीज है, रिवीजन सीरीज में हम टोटली टॉपिक्स पर क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली स्टिक करेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएंगे, और जो हमारे एग्जाम में आएगा सीधा हम उस पर फोकस करने जा रहे हैं। तो इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे बीच में, बस ये लगा लो जितने क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन हम सारे कवर अप करने जा रहे हैं, बट ज्यादा वाइड एंगल नहीं, हम बिल्कुल क्लोज एंगल लेकर चल रहे हैं, ताकि डायरेक्टली हम उन क्वेश्चंस पे मार करें जो कि सीधा आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट यार, चैप्टर 9 है, लाइट के बारे में है,
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में है, दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन, जब ये कवर अप हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन, और फाइनली फिर आपकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा देंगे। एग्जाम्पलर के लिए अलग से वीडियो बना करेंगे, मतलब वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट जी रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं बेटा रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ तो ये सबको पता है यार व्हाट इज रिफ्लेक्शन। हमारे एग्जाम में खैर 10th क्लास में ये क्वेश्चन तो पूछने नहीं वाला वो, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, हाँ पता होना चाहिए, पता ही होगा आपको कि अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करती है, अब लाइट क्या है क्या नहीं है उस पर हम गए ही नहीं, ठीक है, सीधा रिवाइज करने जा रहे हैं। तो अगर आप रिफ्लेक्शन पढ़ोगे तो बेसिकली आप किसके बारे में पढ़ रहे हो बेटा, मिरर्स के बारे में पढ़ रहे हो। सिलेबस में हमारे सिर्फ कौन से, स्फेरिकल मिरर है, हम जल्दी स्फेरिकल मिरर पे आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार रिफ्लेक्शन की बात करनी थी। तो रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक कर कर लाइट का वापस सेम मीडियम में आ जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। जब भी रिफ्लेक्शन की बात होगी सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगे, मिरर्स आएंगे। ये कौन सा मिरर है बेटा, इट इज द प्लेन मिरर, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में हमारे सिर्फ स्फेरिकल मिरर है, रिवाइज कर रहे हैं, इधर उधर हम बिल्कुल जा नहीं रहे हैं, जल्दी हम रिफ्लेक्शन बता के कहाँ पे चले जाएंगे, स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने चले जाएंगे। ओके जी, तो जब आप रिफ्लेक्शन कर रहे होंगे बेटा एक आपको मिरर बनाना पड़ेगा, बड़ा मिरर बनाना पड़ा करेगा, एक आपके पास क्या आया करेगी बेटा नॉर्मल, और फिर एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे, एक नॉर्मल, एक मिरर, यही सब बातें होती हैं, राइट है। तो रिफ्लेक्शन में लाइट आती है सेम मीडियम में चले जाती है, बहुत ज़्यादा अब इसके बारे में डिटेल में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम सीधा टू द पॉइंट पे जाने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर पे। वैसे इसको नॉर्मल रे कहते हैं, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, राइट है, ये पता ही आप लोगों को। अगली बात बेटा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये भी आपको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बात यहां पर जो आपको कर लेना चाहिए वो कर लेना चाहिए बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसमें भी कोई खास बात नहीं है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो दोनों एंगल है भाई, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो पार्ट में बोलते होते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, फर्स्ट पार्ट कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकेंड पार्ट कहता है द नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये जो नॉर्मल है, ये जो इंसिडेंट रे है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, राइट है। तो फर्स्ट पार्ट में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सेकेंड पार्ट में नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, लाइन लिख दिया भाई, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, राइट है जी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता ही है क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है, ये आता ही है हमें, राइट है। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, अगली बात जो अपने पास आ रही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आना था वो मैंने वैसे ही आपको करवा दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही बीच में छुपा रह गया, वो पहले मैंने करवा दिया। तो बेटा जब आप रिफ्लेक्शन स्टार्ट करोगे सबसे पहले नंबर पर तो क्या आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है। अच्छा, पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ना होता है, प्लेन मिरर होते हैं, ये होता है, वो होता है, लेकिन हम सबको छोड़कर सीधा किस पे जा रहे हैं, अपने सिलेबस के पहले टॉपिक पे जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, फिर इसकी इमेज फॉर्मेशन वगैरह सीखेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स, ठीक है। वन इज कॉल्ड
कनकेव, अनदर इज कॉल्ड कन्वेक्स। अच्छा, इनको स्फेरिकल मिरर्स कहते क्यों है? बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अ स्फेयर। व्हाई दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर? मान लो एक हमने कांच का गोला लिया, हॉलो स्फेयर मेड ऑफ ग्लास, ग्लास का बना हुआ एक हॉलो स्फेयर लिया, राइट है। अब इस हॉलो स्फेयर के मैंने क्या कर दिए बेटा, दो टुकड़े कर दिए मान लो। अब ये तो दिख ही रहे, ये दोनों पार्ट कहां से निकल कर आए हैं? स्फेयर से निकल कर आए हैं ना, क्योंकि स्फेयर का ही पार्ट लिया मैंने। ये स्फेयर का क्या हो गया? सेंटर हो गया। अब अगर बेटा इसकी एक साइड हम क्या कर दें, पॉलिश्ड कर दें, जैसे इसकी ये वाली साइड क्या कर दी, पॉलिश्ड, इसकी ये वाली साइड क्या कर दी, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड नहीं सिल्वर्ड, सॉरी, जिस साइड पॉलिश्ड करते हैं, पॉलिश ये वाली की है, ये पॉलिश्ड है, और जिस साइड ये डॉट डैश डैश लगा रखा ना, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट नहीं है, इसको कहते हैं सिल्वर्ड, पॉलिश्ड उस पार्ट को कहते हैं जहां से रिफ्लेक्शन होनी है, जो दूसरा हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, सिल्वर्ड। तो इसका अगला हिस्सा पॉलिश कर दिया, नीचे वाला पिछले वाला हिस्सा सिल्वर्ड, ये सिल्वर्ड पॉलिश। तो बेटा ये जो मिला ये क्या बन गया आपका, कनकेव मिरर, इसको क्या बोलेंगे हम, कनकेव मिरर। और बेटा जी इसको क्या बोलेंगे हम, कन्वेक्स मिरर। तो व्हाई दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, तो उसका आंसर आता होता है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई अ स्फेरिकल मिरर इज टर्म्ड एज अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर ही क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर क्या है, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्फीयर, राइट है जी। तो दो तरह के मिरर है बेटा अपने सिलेबस में। अब देखो अभी तक इंट्रोडक्शन चल रही थी, अब अपना सिलेबस शुरू हो गया, थोड़ा सा बेटा फास्ट मोड में ही चल रहा है, मतलब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर रिवाइज करवा रहे हैं। हाँ इतना है कि एग्जाम में आने लायक सब कुछ समझा दिया जाएगा, बस थोड़ा एक्स्ट्रा इधर उधर की बातों पर हम नहीं जाएंगे। ओके जी, तो बात किसकी चल रही है, स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर कौन कौन से हो गए, दो टाइप के, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, ये कौन सा है जी, ये वाला आपका कैसा कहलाएगा बेटा, कनकेव, इसका ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। और अगर मिरर ऐसा बनाओ तो ये कैसा कहलाएगा, कन्वेक्स, इसका ये वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। देखो ये आइडिया आपको है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो दो तरह के होते हैं कनकेव और कन्वेक्स। तो कनकेव हो कन्वेक्स, तो दोनों के लिए बेटा कुछ पहले बेसिक टर्म्स आएंगी, वो पता होनी चाहिए। तो जल्दी से बेटा इसको रिवाइज कर लेते हैं, सम बेसिक टर्म्स ऑफ मिरर्स। तो हमारे पास दो मिरर हैं, ये वाला मिरर कौन सा जी, कन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, और ये वाला मिरर कौन सा हो गया, इट इज कनकेव मिरर। ठीक है जी, ये है जी आपका कन्वेक्स मिरर, और ये वाला क्या हो गया, कनकेव मिरर। तो दो तरह के मिरर हैं, एक कनकेव है और एक कौन सा है, कन्वेक्स है। अब कनकेव हो कन्वेक्स हो, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स बेटा जी आएंगी, जैसे बेटा मिरर का ये जो सेंट्रल पोर्शन लेते हैं, इट इज टर्म्ड एज इट्स पोल, दोनों का होगा, कनकेव हो कन्वेक्स हो, एक क्या डिफाइन किया जाता है, पोल डिफाइन किया जाता है, तो इट इज पोल। क्या हो गया जी, फर्स्ट टर्म क्या आया करेगी आपके पास, पोल, राइट है। फिर जो मिरर है उसकी हाइट कितनी है, मतलब कितना पोर्शन, जैसे यहां से लेकर यहां तक कितना पोर्शन इसका रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है, मतलब इसका साइज, इसकी हाइट, इट इज टर्म्ड एज इट्स अपर्चर। ठीक है, इसका अपर्चर बड़ा है, छोटे मिरर होंगे तो अपर्चर छोटा है, तो मतलब इसको क्या कहेंगे, इसका अपर्चर कहते हैं। तो एक टर्म बार बार यूज आती है, कई बार न्यूमेरिकल्स में ना कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये अपर्चर क्या चीज है। तो अगली बात क्या आ गई, अपर्चर। ओके, तो एक पोल है बेटा, वन इज टर्म्ड एज इट्स
एपर्चर, ओके। एक हो गया जी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये दोनों के लिए मैंने अब फिलहाल कॉमन ही रखा हुआ है। सी क्या हो गया बेटा, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड। तो ये उस स्फीयर का सेंटर है जहां से इसको ऑब्टेन किया गया। तो एक पी होता है एक सी होता है, ओके। इस पी और सी में से बेटा पास होने वाली जो लाइन है उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, मैं दोनों को एक ही बार में इकट्ठे समझा रहा हूं, क्योंकि कनकेव हो कन्वेक्स हो दोनों का क्या होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा एक उसका क्या होगा पोल होगा। तो कॉमनली बेटा समझा देते हैं, तो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड, ओके। अगली बात बेटा, कनकेव हो या कन्वेक्स हो इनका एक क्या डिफाइन किया जाएगा, फोकस डिफाइन किया जाता है। क्या डिफाइन किया जाता है, फोकस। जैसे मान लो ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का यहां पर सी और पी के बिल्कुल सेंटर पर, ध्यान रखना फोकस कहां पे होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल सेंटर पर होगा, राइट। तो पी और सी के बिल्कुल, कनकेव की बात कर रहे हैं हम कनकेव के लिए, तो पी और सी के बिल्कुल सेंटर पर एक पॉइंट है जहां पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज डाल दी जाए तो आकर क्या करेंगी, मीट करेंगी, राइट है जी। तो P और C के बिल्कुल मिडल में एक पॉइंट जहां पर पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से आकर मीट करती हैं उसको क्या कह देते हैं, फोकस कह देते हैं। कन्वेक्स के लिए बेटा फोकस इस साइड होता है, पॉइंट ये है, इस पे भी रेज क्या करती हैं आकर मिलती हैं, ठीक है, फोकस उसका इस तरफ ही होगा, मैंने इस तरफ बोल दिया, रेज इस तरफ से आनी थी, ओके। तो ये तो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी और ये इस पॉइंट पर आकर मिलेंगी, इसको हम क्या कहेंगे, इसका फोकस करेंगे। तो तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया बेटा, फोकस। तो एक बार अलग अलग करके समझाएं अब फोकस को, दिस मिरर इज कन्वेक्स एंड दिस वन इज कनकेव। तो एक बेटा कनकेव है दूसरा कन्वेक्स है, ये क्या हो गया जी इसका पोल, ये क्या हो गया जी इसका पोल, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। यहां पे कहीं पे इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पे कहीं पे क्या है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो जो कनकेव मिरर है ना बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर इज आल्सो टर्म्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब ये लाइट्स को क्या करेगा, इकट्ठा करता है, लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है। यहां से रे आई, यहां से भी रे आई, ये कहां पर आकर इकट्ठी हो गई, इसके फोकस पर, ठीक है। तो फोकस वो पॉइंट है जहां पर रेज आकर क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, दे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। कन्वेक्स जो है मिरर, ये बेटा कैसा माना गया है, इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। डाइवर्जिंग का मतलब ये रेज को दूर दूर भेजेगा, ठीक है, डाइवर्जिंग। इस पे अगर हम पैरेलल रेज डालते हैं तो ये डाइवर्ज कर जाएंगी, डाइवर्ज, और दूर दूर फैल जाएंगी, दीज आर डाइवर्जिंग रेज। अब बेटा डाइवर्जिंग रेज जब डाइवर्ज कर रही होंगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो पीछे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही हैं, ओके। इस केस में ये फोकस होगा। तो फिर से सुनो, अगर तो कन्वेक्स मिरर है क्योंकि वो कन्वर्जिंग है, तो इसमें फोकस को बोलते हैं, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां मीट कर रही है और यहां पर
दे डोंट मीट बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम, ऐसा लग रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना ये जैसे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो फोकस डाइवर्जिंग का भी पी और सी के बीच में है, कन्वर्जिंग का भी पी और सी के बीच में है, लेकिन बेटा जो कन्वर्जिंग लेंस है उसका फोकस रियल फोकस माना जाता है, इट इज द रियल फोकस, और इसका फोकस रियली वर्चुअल फोकस माना जाता है। ठीक है, तो ये टर्म्स है बेटा, बार बार आपको ये टर्म्स मिलने वाली हैं। तो इसको कौन सा फोकस बोलते हैं, वर्चुअल फोकस। ये कौन सा फोकस हो गया, रियल फोकस। आगे चल के रियल इमेज, वर्चुअल इमेज मतलब जो इमेज असल में बन रही है उसको रियल कहते हैं, जो एक्चुअली बन नहीं रही, लगता है कि जैसे वहां से रेज आ रही हैं या वहां की ओर रेज जा रही हैं, उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो अब यहां पे फोकस पे रेज पहुंच नहीं रही, लग रहा है जैसे उधर से आ रही हैं, यहां से पैरल हुई तो डाइवर्ज हो गई लेकिन लग रहा है इधर से आ रही हैं, तो इसलिए इस फोकस को कौन सा फोकस कहेंगे, हम वर्चुअल फोकस भी कहेंगे। तो एक पोल की बात हो गई बेटा, ये पोल है दोनों मिरर के लिए, एक उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां पर कहीं, और एक इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच क्या होगा बेटा, फोकस होगा, राइट है जी। अगली टर्म जो बार बार आपके पास आएगी, दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ, मिरर जो मर्जी हो, कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो, दोनों के केस में देखो दो तीन बार बात हो गई, एक इनका क्या होने वाला है, पोल, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, एक क्या है जी इनका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बिल्कुल सेंटर में क्या है, फोकस, यहां पर भी क्या है, फोकस। ठीक है जी, ये रियल फोकस है, ये कैसे है, वर्चुअल फोकस, जो मर्जी हो फोकस तो है, ओके। अब एक टर्म आएगी दोनों के लिए जिसको हम कहेंगे फोकल लेंथ बेटा, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फोकल लेंथ क्या है बेटा, सिंपल, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, हम फोकल लेंथ कहेंगे, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों के लिए फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दिस डिस्टेंस विल बी टर्म्ड एज फोकल लेंथ एंड दिस डिस्टेंस विल बी टर्म्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें भी पी और एफ के बीच का बेटा जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ, और पी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आर से नोट करेंगे हमेशा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होगा, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स, ओके। और जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा आर बाय टू होगी। अब न्यूमेरिकल्स कई बार आएंगे तो उसने फोकल लेंथ की बजाय रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में बात किया, वहां से मतलब फोकल लेंथ निकाल लिया करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, छोटी मोटी सी बातें हैं, ओके। अब किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है वो आगे साइन कन्वेंशन सिखाएंगे, उसके बाद फिर बताते हैं। तो भाई अगर आप मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर में सबसे पहले तो बेसिक टर्म्स आएंगी ना, तो बेसिक टर्म्स यही है जो अभी हमने बोली, एक पोल है, फोकस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और एक कंसेप्ट किसका, फोकल लेंथ का, राइट है। बाकी रियल और वर्चुअल की बात भी आ गई, रियल मतलब जो एक्चुअल में है, वर्चुअल मतलब जो है नहीं है लेकिन अपीयर हो रहा है। रियल इमेज वर्चुअल इमेज आगे बनाएंगे ना जब, वहां पे फिर क्लियर करेंगे ये रियल है और दूसरी कौन सी है, वर्चुअल है। फिलहाल यहां पर एक पॉइंट आ गया कि जो आपका कनकेव है उसका फोकस कैसा होता है बेटा, रियल होता है, और कन्वेक्स है उसका फोकस कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है। फोकस को भी हम रियल और वर्चुअल कह सकते हैं। एक बात और आ गई, कनकेव कन्वर्जिंग मिरर है,
और जो कन्वेक्स है वो डाइवर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मतलब रेज को एक जगह पे इकट्ठे करता है, डाइवर्जिंग मतलब रेज को डाइवर्ज करता है दूर दूर फेज पर, राइट है जी। तो अगर ये हो गया हो बेसिक टर्म्स, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखो फास्ट मोड में चल रहा है काम, जल्दी जल्दी करके हमने कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर सीख लिया क्या होता है, सीख क्या लिया, सीख तो आपने हो गई रिवाइज कर लिया, राइट है। अब किसकी बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन। अच्छा कोई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा भाई, तो चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा आखिरी दिनों में बेटा पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बराबर हो जाएगा, ओके। जिन बच्चों ने पहले खूब मेहनत की, सारा साल पढ़ते रहे, उनको इन लास्ट डेज में फिर से पढ़ना पड़ेगा, वरना पहली वाली मेहनत भी क्या होने वाली है, खराब होने वाली है, ओके। चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ली भाई, पिछले 7-8 महीनों में आपने लास्ट के ये जो दिन बचे हैं, जो भी 2-4 महीने बचे हैं, 2-4 तो कहाँ, 2 ही महीने बचे हैं, तो जितना भी टाइम बचा उसमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भाई कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक किताब को हाथ भी नहीं लगाया, बड़ी टेंशन में है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अभी भी आपके पास सफिशियंट टाइम है। अगर ये लास्ट के 2 मंथ्स जो हैं आप बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप सब कुछ कवर अप कर जाओगे। अगर आप साइंस की बात करते हो तो साइंस में बेटा 10th क्लास के सिलेबस में अब है ही कितना, थोड़ा सा जी लगा के पढ़ोगे तो अपने आप ही बात बन जाएगी, तो रिवाइज करो। और फिजिक्स की बात करते हो, फिजिक्स में तो 4 चैप्टर हैं, ईजी से चैप्टर हैं, एनसीईआरटी बुक कर लो, एनसीईआरटी बुक करोगे तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा लास्ट में एक ये भी बड़ा चक्कर है कि अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा तो ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है, कहाँ से पढ़े, इधर से पढ़े, उधर से पढ़े, बंदा 4 किताबें लेकर बैठ जाता है। लेकिन भैया 4 बार किताबें लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, 4 लेकर रखोगे एक भी नहीं पढ़ी जाएगी, एक की एक बुक पढ़ लो एनसीईआरटी बुक, यहीं से आपको समझ लो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ यहीं से नसीब हो जाएगा, इसमें सब कुछ। नंबर अगर 90 की लाइन में लेने हैं तो भी एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर चल कम लेने हैं तो भी आपको क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी ही पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है 10th क्लास में, तो एट दिस एनसीईआरटी बुक पढ़ लो, साइंस में गारंटेड है इसमें से आएगा सारा का सारा, ओके जी। तो थोड़ा सा सबसे मेन टास्क पे पढ़ते हैं, यहाँ पे आके बच्चों को दिक्कत आती है कि सर इमेजेस बनानी नहीं आती है मैडम, इमेजेस बनानी नहीं आती है, भाई इस पूरी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, इमेज फॉर्मेशन है। अगर आपको पहले ये इमेज फॉर्मेशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देना। लेकिन अगर आपको इमेज फॉर्मेशन बनाने में दिक्कत है तो आप भाई ये जो पोर्शन जितना भी अभी चलेगा उसको बढ़िया तरीके से कवर अप कर लेना, राइट है। तो दूसरी बात, ये जो इमेज फॉर्मेशन है मैं बना बना के आपको दिखाता रहूंगा, इससे नहीं आपको आनी, आपको समझ कर अपने आप बनानी है, राइट है। तो अपनी पेंसिल और रबर साथ में रखना भाई, पेंसिल रबर रखोगे, पेन से मत बनाओ इमेजेस, स्केल भी रखो, पेंसिल भी रखो, रबर भी रखो, जो मिरर है उसको आपको पूरा बस कोई राउंड चीज चूड़ी वूड़ी लेकर वो गोल करके बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा बनाओ, लेकिन जो रेज बनाना वो स्केल से ही बनाना, तब आपकी प्रॉपर इमेजेस आएंगी। और पेंसिल से बनाओ, गलत होता है, कम से कम उसको मिटा तो लोगे ना, पेन से अगर बनाओगे आप इमेजेस तो यार गलत होगी, थोड़ी होती हो ही जाती है गलत, अगर गलत हो जाएगी फिर पूरा कटिंग करते रहोगे, कॉपी गंदी करोगे, यही एग्जाम में करोगे, तो ये सब काम मत करो। इमेज बनाने रूल है भाई ऑप्टिक्स का, जो आप लाइट वाइट पढ़ते हो इसका, लाइट की जितनी भी इमेजेस वगैरह आती है इसमें रूल है कि आपने बनानी ही किससे हैं, पेंसिल से बनाए, एग्जाम में भी पेंसिल से बना कराओ। तो आप अपनी पेंसिल रबर स्केल ये 3 चीज़ें रेडी रखो, खैर कॉपी तो रखना ही क्योंकि लिखोगे कहाँ पर अगर कॉपी नहीं लोगे तो, एक कॉपी पेंसिल रबर रेडी रखो, आपको इमेज बनानी एक बार हम सिखा देते हैं, राइट है। तो बात चल रही है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ओके। मिरर्स में बेटा हमारे पास 2 तरह के मिरर हैं, कनकेव या कन्वेक्स। इमेज बनाने के लिए हमें कुछ रेज की नॉलेज होनी चाहिए, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी किधर को, अगर उनकी नॉलेज है तो अपने आप ही इमेज इमेज बनती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ रेज की नॉलेज लेते हैं पहले। तो मान लो ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, राइट है, और ये कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। तो एक कन्वेक्स है, ये पोल हो गया,
ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब अगली बात ये है, अगर हम कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालते हैं, बस यही समझना है, फाइव चार रेज हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए बस, कि भी रिफ्लेक्ट होने के बाद उन्होंने जाना किधर से है। तो अगर हमारे पास एक रे है बेटा, उनने उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या करवा दिया, इंसिडेंट करवा दिया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली रे की गारंटी है कि इसने रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ही पास होना है। कहां से पास होना है भाई? फोकस से ही पास होना है, पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमेशा और हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी? फोकस से ही पास होगी। अगर ये कनकेव है तो एक्चुअली पास हो जाएगी, अगर ये कन्वेक्स है तो एक्चुअल नहीं पास होगी, इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस बस। लेकिन पैरेलल वाली का सीधा लेना देना किसके साथ है? फोकस के साथ। पैरेलल वाली फोकस में ही जाएगी, यहां फोकस में जाएगी, यहां फोकस से ऐसा लगेगा जैसे आ रही है, जाएगी तो खैर इधर को, लेकिन बेटा जो पैरेलल रे है उसका लिंक किसके साथ है? फोकस के। कनकेव में तो सीधा बोल देते हैं, पैरेलल वाली कहां से जाएगी भाई? फोकस से जाएगी। इसमें पैरेलल वाली जाएगी तो बेटा उधर को, लेकिन बैकवर्ड साइड पे एक्सटेंड करोगे तो किधर से पास होनी चाहिए? फोकस से पास होनी चाहिए, तो पैरेलल फोकस से। दूसरी रे बनाते हैं यार जिसकी जरूरत पड़ेगी, ये कनकेव है और ये क्या हो गया जी आपका? कन्वेक्स। ये पोल है, ये भी क्या हो गया? पोल। ये क्या हो गया जी? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई रे बेटा फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आ रही थी फोकस से गई, फोकस से आने वाली क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे, ये कनकेव है ना कन्वेक्स में, फोकस की तरफ जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, कनकेव में फोकस से आने वाली पैरेलल हो जाएगी, कन्वेक्स के केस में फोकस की तरफ जाने वाली पैरेलल हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल। तो दो रेज हो गई, जो फोकस से आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी और जो पैरेलल आ रही है वो फोकस में से पास हो जाएगी। तो सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। एक रे और लेते हैं, मान लो फिर वही बात बेटा, ये कौन सा मिरर? कनकेव। ये कौन सा मिरर? कन्वेक्स। ये पोल, ये भी पोल। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये फोकस यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जी अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस मुड़ जाएगी, बिल्कुल वापस ही हो जाएगी। सेंटर से आने वाली रे हमेशा मिरर पे 90 डिग्री पे पड़ेगी, परपेंडिकुलर पड़ना बोलते हैं उसको, 90 डिग्री पे। तो जो भी रे बेटा 90 डिग्री पे पड़ती है वो वापस फिर आना ही होता है उसमें, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस होता है। तो सी वाली वापस आ जाएगी, और कनकेव में मुझे बोलना पड़ेगा, कन्वेक्स में सॉरी, कि जो रे सेंटर की तरफ जा रही थी वो वापस आ जाएगी, रिवर्स बैक। क्या वर्ड यूज करते हैं हम? रिवर्स बैक, रिवर्स होकर वापस आ जाएगी। ये भी रिवर्स बैक हो गई, ये भी रिवर्स बैक, ये सी से आ रही है, ये सी की तरफ जा रही। देखो कनकेव कन्वेक्स में इन बातों का फर्क है कि सेंटर से आती हुई रे वापस मुड़ जाएगी। ओके जी, कई बार मतलब ज्यादातर केसेस में इन तीन टाइप की रेज से हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए दो ही रेज चाहिए होती है, वी नीड ओनली टू रेज, दोनों से ही हमारी इमेज बन जाती है। लेकिन नॉलेज हमें तीन चार तरह की होनी चाहिए, कई बार किसी की जरूरत पड़ती है, कई बार किसी चीज किसी दूसरी टाइप की रे से डायग्राम बेटर रहता है। तो बेटा ये तीन रे हो गई, कई बार इनके अलावा डायग्राम को नॉर्मल इजी रखने के लिए हम एक और रे लेते हैं। मान लो बेटा
ये कनकेव मिरर है, ये पोल है, और ये क्या हो गया जी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ठीक है, पैरेलल वाली रे फोकस से ले लो, पैरेलल हो जाएगी, सी से आ रही है वो वापिस ही आ जाएगी। अब कई बार इससे डायग्राम आपका बढ़िया नहीं बन रहा होता, अनकंफर्टेबल हो रहा होता है, तो मैं बच्चों को कहता होता हूँ यार तुम क्या करो, जो रे है ना उसको पोल पे डाल दो। तो जब ये पोल पे डालोगे तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दो यार, ये एंगल नोट कर लो और लगभग उतना का एंगल ये ले लो। ये एंगल मेजर कर आप पता कर सकते हो कि इसने रिफ्लेक्ट होकर किस तरफ जाना है। ओके जी, तो पोल वाली भी कई बार कुछ डायग्राम बनाते वक्त ना पोल वाली रे भी काफी मतलब हमें हेल्प करेगी बेटा। तो अभी तक हमने क्या कवरअप किया बेटा, हमने थोड़ी सी बात की कनकेव क्या होते हैं, कन्वेक्स क्या होते हैं, मिरर्स, और उसके बाद ये फोर टाइप ऑफ रेज है इनको डिस्कस किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जिसके ऊपर ये पूरा रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक टिका हुआ है, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड देन इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो मैंने बोला भाई अपनी अपनी पेंसिलें तीखी कर रख लो, रबड़े साफ कर रख लो, और स्केल स्कूल भी रख लो, डायग्राम बनाने पड़ेंगे, और रोक रोक के वीडियो को डायग्राम बनाओ अपना, जहाँ पे जरूरत पड़ती है रोको, और बिल्कुल साफ सुथरे डायग्राम बनने चाहिए बेटा, अपने आप बनाने पड़ेंगे। देखो सिखाने वाला तो सिखा जाएगा, अब सिखाने वाले से अगर सब कुछ आ जाता होता फिर तो बात ही क्या थी, फिर तो सारी दुनिया पड़ जाती। सिखाने वाले के ऊपर कुछ 5-10% ही डिपेंड करता है, असल तो किस पे डिपेंड करता है, सीखने वाले पे डिपेंड करता है। तो भाई डायग्राम्स हैं, जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक नहीं आएंगे, खुद ही बनाने पड़ेंगे। ओके, तो करते हैं जी स्टार्ट। अगली बात है आपकी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ओके, उससे पहले एक और पॉइंट है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखो मैंने बीच में पहले बात कर ली, एक्चुअल में जब दो चार डायग्राम बना चुका होगा ना वहां पे समझाऊंगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हर बार लिखने हैं। तो रियल इमेज बेटा वो है विच इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। हम इस वक्त मिरर पढ़ रहे हैं तो क्या वर्ड यूज किया मैंने, रिफ्लेक्टेड रेज। तो रियल इमेज कब बोलोगे बन रही है, व्हेन इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है जी, अब इसको कंसेप्ट क्लैरिटी के हिसाब से समझना होगा, तो जब डायग्राम बन रहे होंगे ना बेटा अभी आगे वहां पे और क्लियर होगा। व्हाट इज वर्चुअल इमेज, इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेज, एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेज, बट द रेज अपीयर्स टू मीट, मतलब असल में नहीं मीट कर रही होती, बट द रेज अपीयर टू मीट, बस ऐसा लगता है कि जैसे वो क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, दे अपीयर टू। ठीक है जी, तो रियल वर्चुअल का कंसेप्ट अभी और बताएंगे आपको, फिलहाल क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स।